हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं खेत में। तो जैसा कि खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो ये है प्री प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, जैसे कि मिट्टी को कैसे तैयार करना है। तो इसमें जैसे कि आज के समय पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक कॉमन टर्म बन चुका है। तो यहाँ हम तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैन्यूर। एक्चुअली ये एनिमल जो एक्सक्रीटा है, जो कि बायो फर्टिलाइज़र कहलाता है, ये काफ़ी इसमें जो है इस ये काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये है, ये वाटर रिटेंशन इसमें हाई होता है, साथ ही साथ जो सॉइल इरोजन है उसकी भी जो है उसमें रिड्यूस होता है, और ये जो है कार्बन एमिशन को लगभग 40 से 60% तक जो है कम कर देता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम समराइज कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है कम से कम जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज करना, और जो है उसमें जो है अधिक से अधिक बायो फर्टिलाइज़र्स, यानी रिड्यूसिंग द यूजेस ऑफ द केमिकल्स। यदि हम केमिकल्स का कम यूज करेंगे तो इट इज़ द सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। साथ ही साथ क्या है, इट इज़ गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ये इंसान के शरीर के लिए अच्छे से अच्छा है, और इससे जो फर्दर डिजीजेस हैं उसके जो है अकर होने के कम चांसेस होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि ये क्रॉप रेसिड्यू है, जो ये डंठल बचे हुए हैं, तो इसमें पानी पड़ने के बाद जब ये सड़ेंगे तो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इससे जो है पोषक तत्व तो जो है ज़मीन को मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप हरे हरे जो ये पत्ते उग रहे हैं, जैसा कि अभी बरसात हुई है, तो ये जो प्लांट्स हैं इनके जो लीव्स हैं ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है हेल्प करते हैं। तो जैसे कि अवर प्राइम मिनिस्टर विजन इज डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो किसानों की जो है इनकम को डबल कैसे किया जाए, उनकी इनकम को जो दुगना कैसे किया जाए, तो इसमें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। थैंक यू सो मच।